नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पत्रिका टीवी के स्टेट बुलेटिन में। मैं हूं रितिका मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। व्यापक घोटाले की जांच में उतरी एसबीआई, 88 छात्र स्पोर्ट्स की पहचान। राजधानी भोपाल में गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना, चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन में टला बड़ा हादसा, पुतला जलाते हुए भड़की आर्मी मोर्चा कार्यकर्ता। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में खून की दलाली का मामला आया सामने, 3000 रुपए में खून बेचने का आरोप। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में आयोजित हुए तमाम कार्यक्रम, भोपाल में हुई रंगारंग प्रस्तुतियां। व्यापक महाघोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोपियों की पहचान के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की भी मदद ली है। एफबीआई ने ही व्यापम के 88 से ज्यादा स्कोर्स की पहचान की। सीबीआई की मुश्किल यह थी कि स्कोर्स ने परीक्षा फॉर्म में अपनी फोटो लगाकर गलत नाम व पते लिखे। सीबीआई की मुश्किल यह थी कि सिर्फ फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए सीबीआई ने पहले तो इनाम घोषित किया, लेकिन सुराग नहीं मिलने पर एफबीआई से संपर्क किया। एफबीआई को एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 50,000 से ज्यादा मेडिकल छात्रों का डाटा भेजा गया। एफबीआई ने सीबीआई को 200 से ज्यादा छात्रों को क्लू दिए। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इसके लिए एफबीआई को 10 लाख से ज्यादा का भुगतान हुआ है। मंगलवार को पीएमटी 2013 में सीबीआई ने जिन 490 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की, उसमें 88 स्कोरर्स हैं। इनमें से ज्यादातर ने परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा फॉर्म में फोटो तो अपनी लगाई थी, लेकिन पता कहीं और का दिया। एसटीएफ ने इनका पता नहीं लगा पाया। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद अब भोपाल में भी गैंग रेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घटना 31 अक्टूबर की रात उस समय हुई जब 26 वर्षीय छात्रा कोचिंग से घर लौट रही थी और रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। हबीबगंज थाना क्षेत्र में आरपीएफ थाने के पास से चार आरोपियों ने यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा को अगवा किया और आरपीएफ थाने के आगे रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में ले जाकर पुलिया के नीचे गैंग रेप किया। मूल रूप से विदिशा जिले की रहने वाली युवती पिता भोपाल में पोस्टिंग होने के कारण यहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पहचान उजागर न हो इसके लिए आरोपियों ने गैंग रेप के बाद छात्रा का गला दबा लिया। इससे छात्रा बेहोश हो गई। उसे मरा समझकर आरोपी उसे पुलिया के नीचे ही छोड़कर भाग निकले। छात्रा बच गई और होश में आने के बाद उसे पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। आपको जानकर हैरानी यह भी होगी कि राजधानी में जिस युवती के साथ गैंग रेप हुआ वो जीआरपी में पदस्थ सब इंस्पेक्टर की बेटी है, जो पास में ही कोचिंग से जीआरपी कॉलोनी लौट रही थी। बदहाली के हालत में जब युवती अपने घर पहुंचे और बीती सुनाई तो युवती के परिजन जब मामला दर्ज कराने जीआरपी थाने गए तो पुलिस कर्मचारी की बेटी की ही रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बाद में पीड़ित हबीबगंज थाने गए जहां मामला जीरो पर दर्ज कर केस डायरी जीआरपी हबीबगंज रेलवे स्टेशन भेजी गई। मामले की जांच के बाद जब खुलासा हुआ तो सभी के होश उड़ गए। चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया चारों आरोपी अक्सर रेलवे ट्रैक के आसपास पाए जाते हैं और कचरा बीनने का काम करते हैं। जीआरपी पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई कि चारों आरोपी कचरा बीनने के लिए अक्सर रेलवे ट्रैक पर घूमते हैं। वहीं एसपी जीआरपी अनिता मालवीय ने बताया कि ये सभी नक्सेड़ी और कचरा बीनने वाले हैं। घटना के समय चारों रेलवे ट्रैक के पास जुआ खेल रहे थे। चारों आरोपियों के नाम गोलू बिहारी, राजेश, रमेश और अमर छोटू है। सभी कबाड़ी वाला का काम करते हैं। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को पुतला दहन के वक्त हादसा हो गया। इनमें 12 कांग्रेस कार्यकर्ता झुलस गए। हादसे में जिला महिला कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ता भी बाल बाल बच गए। हादसा उस समय हुआ जब रोशनपुरा पर कांग्रेस पार्टी के लोग केंद्र सरकार का पुतला फूंकने आए थे। वे घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। दोपहर में जिला महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के लोग जमा हुए। जैसे ही पुतला फूंकने की तैयारी हुई, किसी ने अचानक पुतले में आग लगा दी। देखते ही देखते वहां कोहराम मच गया। चंद मिनट के लिए अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि प्रदर्शनकारी अपने साथ घरेलू गैस सिलेंडर भी लेकर आए थे। हालांकि वह सिलेंडर खाली था, अन्यथा यह भी पुतले की आग में चपेट में आ जाता।
लोगों का कहना है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। खंडवा मंडी में व्यापारियों ने रोकी नीलामी भावांतर योजना, भुगतान नियमों को लेकर व्यापारी नाराज, स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलने का दिया हवाला। भावांतर भुगतान योजना के तहत नगद भुगतान में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने को लेकर व्यापारियों ने दोपहर में कुछ देर के लिए नीलामी रोकी। मंडी कार्यालय में भुगतान को लेकर अधिकारियों से हुई स्थिति स्पष्ट करने की मांग। ज्ञात हो भावांतर योजना में 50,000 नगद भुगतान के निर्देश है, जबकि व्यापारियों का कहना है इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 10,000 नगद भुगतान नहीं कर सकते। अपंजीकृत किसानों को भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने का हवाला दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलने की बात व्यापारियों ने कही। कांग्रेस के द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जागो शहर जागो जन चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा 5 नवंबर से शुरू होगी और विधानसभा के अंतर्गत सभी 21 नगर निगम के वार्ड में जन जागरण किया जाएगा। यह जानकारी पूर्व विधायक लखन घनघोरिया ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने आरोप लगाया पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इनमें और शराब का अड्डा भी बनने जा रहा। सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों की इनमें पूरी भूमिका है, इस कारण क्षेत्र का युवा भटक रहा और उनके आरोप था कि क्षेत्र के साथ बिजली में विलोमी पक्षपात किया जा रहा, डायवर्जन शुल्क लेकर गरीबों को तंग किया जा रहा। साथ ही नगर निगम पिछले साल के मुकाबले 8 गुना ज्यादा टैक्स वसूल रहा। वहीं बीपीएल धारियों को राशन की दुकानों में अनाज और दूसरी चीजें नहीं मिल पा रही। वृद्धावस्था पेंशन का भी यही हाल है। जबलपुर में कलेक्टर ने किया सिहोरा कृषि उपज मंडी का निरीक्षण। किसानों को भावांतर योजना का लाभ देने के लिए निर्देश। सिहोरा कलेक्टर महेश चंद चौधरी गुरुवार को सिहोरा कृषि उपज मंडी पहुंचे। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत मंडी में चल रही उड़द और मूंग के शेडों में खरीदी का निरीक्षण किया। साथ ही उपज विक्रय को लेकर किसानों से चर्चा की। किसानों ने कलेक्टर को बताया कि मूंग और उड़द का रेट मॉडल रेट से बहुत कम मिल रहा। कलेक्टर ने बोली लगा रहे व्यापारियों से अच्छी किस्म मूंग उड़द का तय मॉडल कर उपज खरीदने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को भावांतर योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कलेक्टर दोपहर 1 बजे सिहोरा मंडी पहुंचे। उन्होंने मंडी में हर शेड में जाकर किसानों से भावांतर योजना में पंजीयन और उपज विक्रय की जानकारी ली। कलेक्टर ने मंडी सचिव को निर्देश किया कि मॉडल रेट के साथ साथ किसानों को अधिकतम 50,000 रूपए नगद भुगतान की रोज जांच करें, ताकि किसानों को योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सिहोरा मंडी में खराब स्थिति, अधिकतम बोली लगाए व्यापारी। कलेक्टर ने सिहोरा मंडी में उड़द और मूंग की खरीदी करने वाले व्यापारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बताया कि भावांतर भुगतान योजना में सिहोरा मंडी की खराब स्थिति है। 540 किसानों के पंजीयन में दोनों उपज की आवक कम हो रही। आवक के साथ व्यापारी जबलपुर पाटन शैपुरा मंडी की तुलना में मॉडल रेट के कम दामों में उपज खरीद रहे हैं। जबलपुर में प्रदेश के स्थापना दिवस पर जेटीपीसी द्वारा मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कथक की खूबसूरत प्रस्तुतियों ने मंच लूटा। वहीं देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां भी बेमिसाल रही। गायन के साथ साथ वादन में भी बच्चों ने कमाल दिखाया। जबलपुर टूरिस्ट प्रमोशन काउंसिल के कथक वादन में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन में एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। नृत्यांगनी कथक केंद्र एमडी बंगाली स्कूल के स्टूडेंट्स और हर्षिता एवं साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत शिव तांडव भी मोहक रहा। इसके बाद रुद्राष्टक की प्रस्तुति ने भी खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में केवल नृत्य ही नहीं, वादन में भी बच्चों ने कमाल दिखाया। प्रियांशु मिश्रा और कुमकुम शुक्ला ने युगल तबला वादन किया। करोड़ी लाल भट्ट ने संगीत किया। इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा लघु फिल्म प्रदर्शनी लगाई गई। देशभक्ति नृत्यों ने लोगों में उत्साह भरा। आयोजन में कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हर्षिका सिंह, अपर कलेक्टर छोटे सिंह उपस्थित रहे। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में खून की दलाली का मामला सामने आया। अर्जुन नगर निवासी भुक्त भोगी संध्या गुप्ता ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की
कि गिरधारी लाल स्वीपर नाम के कर्मचारी ने खून दिलाने के नाम पर उसे 3,000 रुपए लिए। मामले में अधीक्षक डॉक्टर ABS गहरवार ने ब्लड बैंक के अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। अधीक्षक का कहना है कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में हवा का रुख उत्तरी होने से मौसम में पारा 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई। सीजन में पहली अधिकतम और न्यूनतम पारा सामान्य से कम हुआ। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी हवा के माध्यम से हिमाचल की तराई से ठंडी हवाएं आ रही। जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ का हल्का असर हुआ। शहर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आर्द्रता 65% रही। आर्द्रता कम होने से मौसम शुष्क हुआ। तापमान में गिरावट शुरू हुई। मौसम विभाग के अनुसार अचानक ठंडक बढ़ने के बाद लोगों को शाम को सहरन महसूस होने लगी। दिन में धूप निकली लेकिन शाम को ठंडक के कारण लोगों को अपने घर पहुंचने में कोशिश करने लगे। अब सुबह शाम घर से बाहर निकलने वाले लोग स्वेटर और जैकेट का सहारा ले रहे। रात में ठंडक का एहसास हो रहा। गर्म कपड़ों के बाजार में ग्राहकी शुरू हो गई। छतरपुर में इलाज के लिए जिला अस्पताल में आई 2 महिलाओं के साथ हुई चैन स्नैचिंग। महिलाओं ने पुलिस को जानकारी दी। इस वारदात को 2 युवकों ने अंजाम दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवकों का सुराग करने के लिए CCTV कैमरे को खंगाल रही थी, जिसमें महिलाओं के पीछे जाते हुए 2 अज्ञात युवक नजर आए। पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार आरोपियों को अज्ञात युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। CCTV कैमरे में कैद हुए पीछे जाते हुए युवक आरोपी घटना के बाद मौके से हुए फरार। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। रतलाम जिला अस्पताल में पुराने हो चुके भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जा रहा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को काम करना है। ये विभाग ठेकेदार से काम समय पर नहीं करवा पा रहा। ऐसे में लागत बढ़ने के साथ साथ समय भी बढ़ता जा रहा। अस्पताल की कायाकल्प योजना में नए भवन का निर्माण होना है। इसके लिए अस्पताल का लोक निर्माण विभाग सुस्त बना हुआ। तब ठेकेदार ने काम की शुरुआत नहीं की, वह इसके लिए जिम्मेदार सख्ती से पेश नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल के समय पूर्ण निर्माण काल की लागत तो बढ़ी, साथ ही साथ समय भी बढ़ रहा। और शहर में एक बार फिर नगर निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी। गुरुवार के दिन सुबह सुबह कनाडिया रोड पर हनुमान मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया गया। शहर में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू हो गई। गुरुवार सुबह से ही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कनाडिया रोड पर हनुमान मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में व्यस्त थे। इस कार्यवाही से पहले निगम के अधिकारी विजयनगर थाने पहुंचे और पुलिस बल की मांग की। पुलिस बल की मौजूदगी में यहां पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाते समय यहां खासी भीड़ जमा थी। तो आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए पत्रिका TV के साथ। नमस्कार।